नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक विद भूमिसुता। आज हम कैश्यू नट और आलमंड को कैसे नमकीन वाला रोस्टेड बनाते हैं देखेंगे। काजू और बादाम को, ये देखिए मैं काजू ले रही हूँ, इसको मैंने दो दो पीस में कर लिया है। आप चाहे तो इसको साबुत भी रोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काजू को रोस्ट करेंगे। देखिए ये है कढ़ाई में नमक मैंने ले लिया है, लगभग हाफ के जी नमक, या फिर आप 200 से 300 ग्राम भी ले सकते हैं। नमक को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी मैंने जो पीसेस काजू है इसको डाल दिया है और इसको भुनेंगे, रोस्ट करेंगे। ऐसे आपको नमक के अंदर चलाते रहना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप चाहे तो साबुत भी इसको रोस्ट कर सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में, और इसको आप स्नैक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप रोस्ट करके आप इसको स्टोर कर लीजिए, और कभी भी आप चाहे तो ट्रैवल में खा सकते हैं, या फिर घर में आपको चाय के साथ स्नैक्स चाहिए खा सकते हैं इसको। ये देखिए ऐसे चलाते रहना है आपको नमक के साथ, बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो देखिए लगभग मेरा जो काजू है रोस्ट हो चुका है, थोड़ा कलर चेंज हो गया है, देखिए ब्राउन ब्राउन लग रहा है। अभी हम इसको ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो आप इसको नमक में से ऐसे जो छलनी है देखिए इस टाइप का छलनी से आप निकाल देना है इसको नमक में से, और अलग से प्लेट में रख लीजिए। अभी उसी नमक में हम डालेंगे बादाम को। बादाम बीज हम रोस्टेड खा सकते हैं, इसको भिगो के भी खाते हैं, लेकिन रोस्टेड भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसको स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। और जर्नी में आप कहीं जा रहे हैं तो इसको रोस्ट करके आप ले जाएं, और खाने से इसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। तो इसको भी हम नमक में डाल के अच्छी तरह से इस तरीके से चलाते रहना है हमें, जब तक भी रोस्ट ना हो जाए, लगातार आपको चलाते रहना है। और गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दें इस समय। ऐसे ही आपको चलाते रहिए जब तक कि हमारा काजू जो है थोड़ा सा जब रोस्ट हो जाता है तो थोड़ा फूल जाता है, और थोड़ा थोड़ा जैसे हम मूंगफली भूनते हैं उसी हिसाब से ये भी थोड़ा थोड़ा फूल जाता है और चटकने लगता है। एक बार रोस्ट हो गया तो आप इसको ठंडा कर लीजिए और किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, और किसी भी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।